तो दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीलंका टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। हम अक्सर ट्रैवल करते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जैसी कंट्रीज, हांगकांग जो थोड़ा हमारे से ज़्यादा दूर हैं। पर क्या होता है कि हम अक्सर अपने आसपास के देश ट्रैवल करना भूल जाते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दोस्तों ऐसा नहीं है ये देश हमारे पास हैं तो सुंदर नहीं है या देखने लायक जगह, ये बहुत ही सुंदर देश हैं और बहुत सस्ते हैं। पर अक्सर हम लोग क्या दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पर कभी भी श्रीलंका आसपास की कंट्रीज नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सस्ती कंट्री और एक बहुत सुंदर कंट्री जो श्रीलंका हमारे दक्षिण भारत के बिल्कुल पास है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। यहाँ का वीज़ा इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ जो टूरिस्ट वीज़ा है यह टूरिस्ट वीज़ा ना कहकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन होता है जो ETA के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनी साइट बनाई हुई है। यह जो वेबसाइट श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है यह है www.eta.gov.lk। तो दोस्तों इस पर हमें जाकर अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना है। ये आपका ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो श्रीलंका जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके लिए आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट जो 6 months वैलिडिटी के साथ कम से कम हो जब आप डेट ऑफ ट्रैवलिंग आपकी जो है उसके बाद। दूसरा आपके पास रिटर्न टिकट्स होने चाहिए, कैश के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सफिशेंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए, अकाउंट में शो नहीं करना, हार्ड कैश सिर्फ आपको लेके जाना है, या आपके पास जो कार्ड है अपना फॉरेन एक्सचेंज कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो आप कैरी कर सकते हो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ आपके पास जो होना चाहिए वो होटल एकोमोडेशन होना चाहिए आपके पास, आप जितने दिन वहाँ स्टे कर रहे हो। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं मांगते, आपको इजीली एंटर करने देते हैं। इमिग्रेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही सुंदर कंट्री है श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबो जैसी जगह है, हमारे रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान हैं, आप जाकर वहाँ उनको विजिट कर सकते हो। बड़ा रिलीजियस ट्रिप भी आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा ट्रिप है। सापना कल्चर बिल्कुल श्रीलंकन कल्चर, इंडियन कल्चर लगभग बराबर है, मोस्टली हमारे साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ कल्चर है। सारा समुंदर है आसपास, तो आप गाले और कई जगह आप कोलंबो वगैरह आप घूम के आ सकते हो। कोलंबो जो है कैपिटल है, अच्छे से अच्छा आप अकोमोडेशन वहाँ देखोगे तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये पर डे में अच्छा होटल, बिल्कुल फैमिली के लिए क्लास 1 कैटेगरी का होटल आपको मिल जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप है, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने इंडियन फूड जैसा ही फूड मिल जाता है। मोस्टली ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो एक्सपेक्टेड बजट है वो भी बहुत कम रहेगा। अगर आप फैमिली जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70,000 to 80,000 रुपीज़ में आप श्रीलंका जैसी कंट्री घूम के आ सकते हो, जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही सुंदर कंट्री है। आप अगर देखेंगे इसको जाने के लिए आपका जो एयरफेयर है दिल्ली से देखते हैं तो आपको रिटर्न फ्लाइट के साथ जो मिलेगा वो 13,000 से 14,000 रुपये में श्रीलंकन एयरवेज का आपको फेयर मिल जाएगा, फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप साउथ इंडिया से चेन्नई से ट्रैवल कर रहे हैं या केरला से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 4,000 से 5,000 रुपये वन साइड में, रिटर्न साइड अगर आप जोड़ देंगे तो 6,000 to 7,000 मैक्सिमम, 7,000 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगी। होटल एकोमोडेशन नॉर्मल बजट ट्रैवलर्स के लिए 500 रुपये से स्टार्ट है अच्छा, और 800-1,000 रुपये में आप बहुत अच्छा अपना अकोमोडेशन ले सकते हो होटल में। अगर हॉस्टल जाओगे तो 300 से 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा होटल हॉस्टल अकोमोडेशन। खाना ब्रेकफास्ट आपको उसी में इंक्लूडेड होगा, बहुत सस्ती जगह है, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ज़रूर घूम के आएँ। और अभी मैं काम कर रहा हूँ अगले वीज़ाज के ऊपर, जिसमें मैं 8 से 10 कंट्रीज़ के वीज़ा और बताऊँगा जहाँ या तो वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। ETA जो है ये भी एक वीज़ा ऑन अराइवल के तरीके से ही बोला जा सकता है कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराइए और आप चले जाइए घूमने। तो अभी आप मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आने वाले 5-6 दिनों में आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं साउथ ईस्ट एशिया और बहुत सारी कंट्री जो हैं वर्ल्ड की जहाँ वीज़ा फ्री है उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद। वीज़ा प्रोसेस से जुड़ी हुई वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, साथ में आपको सजेस्ट करता हूँ
वेबसाइट जहाँ से आप चीप फ्लाइट्स ले सकते हैं, चीप अकोमोडेशन ले सकते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी फ्लाइट्स होटल्स बुक करने हैं या वीज़ा कैसे लेना है, वो सब आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं और साथ में वहाँ से आप अपना बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।